My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर, और आपके साथ मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो लोकसभा चुनाव में यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि सपा प्रत्याशियों के साथ सपा नेताओं की पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई, और क्या वहां पे माजरा देखने को मिला पहले चरण के मतदान में। इन 8 लोकसभा सीटों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ शाम 5 बजे तक, और क्या कुछ खास रहा, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अगर हम तुलनात्मक देखें 2014-19 और 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो इस बार क्या मतदान प्रतिशत रहा, बढ़ा या घटा, और क्या कुछ खास रहा चौथे चरण में जो 8 लोकसभा सीटों पर यूपी के मतदान हुआ है, क्या कुछ खास रहा सर? देखिए प्रियांशु, सबसे बड़ी बात जो निकल करके ये आ रही है कि 2014 और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, और जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, जो मतदान प्रतिशत निकल कर आ रहा है वो काफ़ी कम है। तो ये ज़रूर साबित कर रहा है सीधे तौर पर कि इस बार कोई लहर नहीं देखने को मिल रही है। मतदाताओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, ये अपने आप में साबित कर रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो खासकर 8 सीटें हैं, यहाँ पर 3 बिंदुओं को ज़रूर आप जिन पर लोगों की निगाहें थीं, और उन्हीं बिंदुओं से तय होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो बिंदु हैं वो आपको बताना चाहेंगे। एक सबसे बड़ा अहम बिंदु ये है, चूँकि जाटों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अविश्वास या उनके खिलाफ आक्रोश था, जो तो ये माना गया कि इस बार ये देखा गया कि जाटों ने किसकी खाट खड़ी की, तो वो ज़रूर देखना रहा होगा वहाँ पर। वो जो प्रत्याशी हैं वो धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों ने किसकी खाट खड़ी की। और दूसरा बिंदु जो अहम बिंदु था, जो ऐन मौके पर ये आया, खासकर राजपूतों का, गुजरात से शुरू हुआ राजपूतों का विरोध बीजेपी के प्रति, और फिर वो धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गया, और जिसे शांत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लेकिन चूंकि कुछ स्थानीय मुद्दा था और कुछ मामला गुजरात से जुड़ा हुआ था, स्थानीय तौर पर अगर देखें संगीत सोम और सुरेश राणा को लेकर क्षत्रियों में बहुत नाराजगी थी, उनका सीधे तौर पर आरोप संजीव बालियान पर था। तो इस बार ये एक अहम बिंदु है कि ये देखना होगा कि ठाकुरों ने, जो ठाकुर थे, ठाकुरों ने किसका खेल खराब किया जी, एक ये बहुत अहम वहाँ से निकल कर के आया। और तीसरा जो अहम बिंदु था कि जो मुस्लिम था वो गठबंधन के साथ गया या बसपा के साथ गया या फिर अन्य दलों को मिला, तो ये बहुत अहम बिंदु था। तो इस पर भी सबकी नज़रें थीं कि मुसलमान वोट बट गए या डटे रहे। तो जो रुझान देखने को मिला, वो रुझान ये देखने को मिला प्रथम दृष्टया जो वहाँ से खबरें आईं, वो ये खबर आई कि मुस्लिम एक तरफा गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में जो वहाँ का समीकरण है वो किसके पक्ष में जा रहा है, किसके विपक्ष में जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें 2019 और 2014 चुनावों की तुलनात्मक अगर बात करते हैं, तो बहुत कम मतदान इस बार देखने को मिल रहा है, जो प्रतिशत निकल करके आ रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है। ये खतरे की घंटी किसकी बजी है,
इसको लेकर भी तमाम तरीके के तर्क आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष जिस तरीके का माहौल बना रहा था, अगर वो बनाया होता तो मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार ये साबित कर रहा है मतदान प्रतिशत कि मोदी लहर और योगी लहर बिल्कुल नहीं है, किसी भी प्रकार की लहर नहीं है। इस वजह से जो मतदाता है वो उसमें कोई जोश नहीं दिखाई दिया। ज़्यादातर मतदाताओं ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो घरों में बैठ गए या फिर देने ही नहीं गए। मतलब लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल कैराना को हम लेकर चलेंगे। कैराना बहुत चर्चित रही है, तो जान लेते हैं 2014 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 73.10 यानी 10 जो है यहाँ पर मतदान प्रतिशत रहा था। और जब हम 2019 में पहुँचते हैं तो कैराना की ही बात करते हैं तो यहाँ पर 67.45% मतदान हुआ। और जब हम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 2024 का देखते हैं तो हम यहाँ पर बहुत नीचे आ जाते हैं, 58.68%। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना कम मतदान प्रतिशत हुआ है। इससे पहले हम सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में 2014 में 74.26, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 74.26% मतदान होता है 2014 में। और जब 2019 को पहुंचते हैं तो यहां पर 70.83% हो जाता है। लेकिन जब हम 2024 में 5 बजे तक का देखते हैं तो 63.29%। तो यहां पर सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा है जो ये 5-7% मतदान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। तो अब इसके बाद मुजफ्फरनगर आपको लेकर चलेंगे। मुजफ्फरनगर में 2014 में जब वहाँ पर दंगा हुआ और वो दंगा काफ़ी चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद चुनाव होते हैं तो यहाँ पर 69.74% अगर बात करें यहाँ पर 2014 में मतदान हुआ। और जब 2019 में आए तो यहाँ पर 68.20% मतदान हुआ। और जब 2024 में पहुँचे तो यहाँ पर 54.91%, ये 5 बजे तक का आपको बता रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया। तो सीधे तौर पर यहाँ जो दिख रहा है वो काफ़ी अंतर दिख रहा है। अब ये अंतर ही सभी पार्टियों के लिए चिंता बढ़ा रहा है, खासकर सत्ता पार्टी के लिए, क्योंकि सत्ता पार्टी साबित कर रही है उसकी बम तब हुई, उसकी जीत बड़े पैमाने पर तब हुई जब उनकी लहर चली। वो लहर के बदौलत उनका वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ा, अब ये वोट प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, ये बहुत चिंतनीय है। इसके बाद हम बिजनौर आपको लेकर चलेंगे। बिजनौर में 2014 में 67.88% मतदान हुआ था और जब हम 2019 में पहुंचते हैं तो 66.22% मतदान हुआ। और इसके बाद जब हम 2024 में 5 बजे तक का मतदान देखते हैं तो 54.68%। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ भी भारी गिरावट देखने को मिली है मतदान प्रतिशत में। इसी के साथ बिजनौर के बाद हम सीधे आते हैं नगीना। नगीना बहुत चर्चित लोकसभा सीट है, यहाँ पर जबकि आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने माहौल को बहुत गर्म कर रखा था, लेकिन मतदान प्रतिशत देखिए उनके बदौलत कुछ मतदान प्रतिशत यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी नगीना में 2014 और 2024 के मुकाबले कम मतदान हुआ है। 2014 की बात करें तो 63.12% मतदान हुआ था और 2019 में 63.66% हुआ था। और जब हम पहुँचते हैं 2024 में तो यहाँ पर 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 58.05% मतदान हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये घटा हुआ मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर किसी न किसी का काम बिगाड़ रहा है और किसी का किसी बना भी रहा होगा। इसके बाद हम पहुँचेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद में 2014 में यहाँ पर मतदान प्रतिशत 63
66.66 रहा था और फिर 2019 में यहां पर 65.46% रहा और फिर 2024 में 57.65% मतदान हो गया। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2019 और 2014 से यहां मतदान प्रतिशत मुरादाबाद में कम हुआ है। अब हम आपको लेकर चलते हैं रामपुर। रामपुर वो चर्चित सीट है जिसको लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, यहाँ भी मतदान प्रतिशत कम हुआ है और ख़ासकर तब जब यहाँ पर आज़म खान नहीं है, वो जेल में हैं। और 2014 की बात करें उस समय 59.27% हुआ था और 2019 में 63.19 हुआ था और 2024 में 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत 52.42%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है मतदान प्रतिशत की। पीलीभीत की जिक्र इसलिए चूंकि यहाँ सिटिंग सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, वो भी वरुण गांधी जैसी शख्सियत का। और यहाँ पर आपको बताएं 2014 में 62.86% हुआ और उसके बाद अगर चलते हैं 2019 में तो 67.41%। लेकिन जब हम 2024 में पहुँचते हैं तो यहाँ पर 60.23%, ये 5 बजे तक का है, फिर भी सबसे अच्छा पीलीभीत का मतदान प्रतिशत कहा जाएगा। यानी कि जितिन प्रसाद ने यहाँ माहौल को जरूर गर्म किया और जो शुरुआती दौर में यहाँ बातें सुनने को मिल रही थी वो धीरे धीरे जितिन प्रसाद ने उसको समाप्त करने की कोशिश जरूर की होगी। मतदान प्रतिशत जो बढ़ा हुआ है ये अपने आप में ये साबित कर रहा है कि यहाँ पर माहौल क्या है। लेकिन अन्य जो सीटें हैं वहाँ के बारे में अच्छी खबरें नहीं कही जाएंगी, क्योंकि वहाँ का जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उनके लिए ज़रूर ये दिक्कत भरी बात कही जाएगी। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो अगर हम 2014, 2019 और 2024 में तुलनात्मक देखें मतदान प्रतिशत का, तो 67% तक की गिरावट आई है 2019 की अपेक्षा। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो 11% की गिरावट आई है 2014 और 24 के बीच। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर हैं कि 2014 और 2019 में मोदी लहर थी और इस बार वैसी लहर देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल ये जो मतदान प्रतिशत है ये कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ा रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि खासकर बीजेपी के लिए जरूर चिंताएं बढ़ा रहा है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मतदान प्रतिशत जब बढ़ता है तो हमेशा से बीजेपी को फायदा पहुंचता है, अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को फायदा करता है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो। लेकिन इस बार जो मतदान प्रतिशत घटा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जरूर चिंताएं बढ़ाने वाला है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है, जो छत्रियों की नाराजगी है और छत्रियों का समर्थन भी देखा गया है सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशियों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए जरूर चिंता वाली बात है। सर, आज का जो मतदान हुआ 8 सीटों पर काफी गहमागहमी भी देखी गई, और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमेशा से ही वहां शुरुआत से अगर देखा जाए तो हमेशा से जो सीटें हैं हमेशा वहां पे गहमागहमी के आसार बनते हैं। वहां के नेता तेज तर्रार नेता हैं, अक्सर पुलिस से भी बहस होती उनकी और प्रशासन से भी बहस होती दिखाई गई। आज किनके बीच बहस होती दिखाई गई, क्या आरोप प्रत्यारोप जड़े गए गठबंधन प्रत्याशियों द्वारा पुलिस और प्रशासन पर? सर देखिए, आपको बता दें कि आज जो प्रथम चरण के तहत मतदान हो रहा था उसमें ये देखने को मिला कि आप रामपुर से शुरुआत कर दें तो रामपुर में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा ये आरोपित किया गया, उनके द्वारा ये कहा गया, मोहिबुल्ला नदवी द्वारा ये कहा गया कि उन्हें वोट, जो लोग हैं जो लाइनों में लगे हैं उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, उन्हें पर्चियां नहीं दी जा रही, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं मतदान केंद्र पर ही। उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई, ये तस्वीरें आई वहां से। दूसरी तस्वीर आपको बता दें वो मुरादाबाद में भी देखने को मिली। मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद में वहाँ पर जो रुचि बीरा हैं उनकी तो पुलिस से कई मौकों पर झड़प होती हुई दिखाई दी, और वो जाम में जब फंसी तब भी झड़प होते हुए दिखाई दी, और उसके अलावा उन्होंने भी तमाम आपत्तियां दर्ज की चुनाव के दौरान। इसके अलावा अगर देखें इकरा हसन ने भी तमाम सवाल खड़े किए कि वहां पर गड़बड़ी हो सकती है, और तमाम सवाल इसलिए खड़े करते रहे, उन्हें आशंकाएँ रहीं। और सबसे गंभीर आरोप जो है वो हरेंद्र मलिक की ओर से
लगाए जाने लगे कि दोपहर के बाद जो है उनकी जो सीट है मुजफ्फरनगर, वहाँ पर जो उनके मुकाबले भाजपा के प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, वो हरियाणा से लोगों को ला करके वहाँ पर गड़बड़ी कर सकते हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। तो इस प्रकार के आरोप पूरे दिन लगते रहे और जो है लेकिन जिस तरीके का मतदान हुआ वो काफ़ी जो ये प्रत्याशीगण थे वो आश्वस्त दिखाई दिए, उनकी ओर से कोई इस प्रकार का आरोप बड़ा नहीं लगाया गया। लेकिन इतना ज़रूर था कि पुलिस का सख्त जो है वहाँ पर जो सख्ती थी उसके आगे किसी की चलते हुए नहीं दिखाई दी। वोटिंग वाले दिन जो है खासकर जो मौजूदा सांसद हैं HT हसन, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया, वो नाराज दिखाई दिए। उनके यहाँ पुलिस पहुँच गई थी जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा वो सांसद हैं, प्रोटोकॉल नहीं पता पुलिस को, तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए इस प्रकार के दिखाई दिए। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए पहुंची तो वहां पर बाकायदा BJP की एक विंग थी और पुलिसकर्मी वो महिलाओं को महिला पुलिसकर्मी वो महिलाओं के बुरका उठाकर उन्हें चेक कर रहे थे कि कहीं पर कोई गड़बड़ या गलत तरीके से तो नहीं यहाँ पर वोटिंग हो रही है। इसको लेकर ज़रूर आपत्तियाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा उठाई जाती रहीं। तो इस प्रकार के दौर भी देखने को मिले और सबसे बड़ी बात जो ठाकुरों ने कहा वो करके दिखाया, खासकर ठाकुरों की जो चौबीसी थी वो उन लोगों की ओर से जो पहले से ही भाजपा के प्रति नाराजगी जताई गई, ज़्यादातर ठाकुर मतदाता या तो मतदान देने नहीं पहुँचे या जो पहुँचे उनके द्वारा विरोध दर्ज करा दिया गया और खासकर यानी विरोध में वोट डाला गया। और खासकर जो इकरा हसन के पोलिंग एजेंट थे मुख्य, उनको पुलिस ने रोक लिया और थाने ले गई पुलिस और इस दौरान वो सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगी, फिर पुलिस ने पूछताछ कर उन्हें हालांकि छोड़ भी दिया। तो ऐसे दौर आते रहे और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्होंने भी नगीना में अधिकारियों पर नाराज़गी दिखाई, उनका सीधा आरोप सत्ता के इशारे पर कुछ अधिकारी जिन पर आरोप लगा रहे थे कि वो काम कर रहे हैं। तो ये छुटपुट घटनाएं आपको इस तरीके की देखने को मिली जो सीधे तौर पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के जो मतदान में था वो फिलहाल देखने को मिला। लेकिन बिल्कुल इस बार सबसे अहम बात ये थी कि मतदाता बेहद खामोश था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पीलीभीत तक की बात करें उधर से कई चुनावी जनसभाओं को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने संबोधित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्षी दल के भी नेताओं ने वहां माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन उस माहौल का असर आपको मतदान प्रतिशत में उतना दिखाई नहीं दिया। हालांकि गर्मी बेहद थी लेकिन बावजूद इसके अगर बात करें तो जो दिखना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा, जैसा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला जब बम्पर वोटिंग हुई थी, जब कहते हैं ना जब छप्पर फाड़ के वोटिंग हुई थी और वो मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड बना था वैसा नहीं दिखाई दिया। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर पिछले चुनाव की अपेक्षा 10% तक कम मतदान हुआ है। तो 10% तक मतदान कम होना अच्छे संकेत नहीं देता है। जो भाजपा 50% से ज़्यादा मतदान पाने की बातें कर रही थी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ मतदान प्रतिशत जब कम हुआ है तो क्या स्थिति रही होगी। ये फिलहाल जब नतीजे आएंगे 4 जून को तभी पता चलेगा, लेकिन गुड़ा गणित लगाई जानी जारी है। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें जो 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए हैं पहले चरण के लिए, उसमें सहारनपुर नंबर 1 पर है। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और पहले भी हमने देखा है 2014-19 में भी सहारनपुर में 74% तक वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो जो आज़म खां हैं सपा नेता उनके गढ़ रामपुर में। अगर हम पीलीभीत सीट की बात करें तो हाँ, वहाँ पर जितिन प्रसाद जो हैं वो मंत्री हैं सूबे की सरकार योगी सरकार में, उनके यहाँ जरूर 60% वोटिंग हुई है, तो अच्छे संकेत हैं वहाँ
पे, और अगर कुल वोटिंग की हम बात करें, अगर आठों सीटों का औसत निकाले तो 57.54% ही रह गया, यानी कि 60% से भी कम मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि कम मतदान प्रतिशत हमेशा से ही भाजपा को नुकसान पहुंचाता रहा है। अब फिलहाल ईवीएम में कैद हो गया है सारे प्रत्याशियों का भविष्य, 4 जून को खुद पता चल जाएगा किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा। फिलहाल अब गुड़ा गणित भी लगाने लगे हैं प्रत्याशी भी और उनके समर्थक भी। और साथ ही आपको बता दें, एक चर्चा जरूर है, ये चर्चाएं सबकी जुबान पर है, क्या मोदी लहर खत्म हो गई है? क्योंकि जिस हिसाब से मतदान प्रतिशत गिरा है सर, उस हिसाब से लोग चर्चाएं यही कर रहे हैं कि क्या मोदी लहर खत्म हो गई है। और दूसरा एक फैक्टर ये भी सामने आ सकता है कि हो सकता है कड़ी धूप के बावजूद घर से वोटर ना निकला हो, लेकिन पहली बात की जो चर्चा है वो यही है, क्या मोदी लहर खत्म हो गई है। बस एक और बात निकल कर आ रही है कि जो कम मतदान प्रतिशत है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी आती है। एक नाराजगी बड़ा कारण बनता है, जो भाजपा का कमिटेड वोट है वो कहीं ना कहीं जब दूसरे को नहीं देना चाहता है तो घर बैठ जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, व्यापारी समाज जो विरोध भी नहीं कर सकता है और वोट भी दूसरे को नहीं दे सकता है, तो ऐसे में ये माना जाता है, अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि वो वोट नहीं डालने जाता है। और लोकसभा चुनाव में ये जो स्थिति बनी है इसकी झलक नगर निकाय के चुनाव में आ चुकी थी, लेकिन तब ये प्रचारित किया गया था कि चूंकि ये चुनाव मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया है, योगी के नाम पर नहीं लड़ा गया है, ये निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। लेकिन सवाल इस बात का था कि सरकार उन्हीं की थी, केंद्र में भी उनकी थी और प्रदेश में भी उनकी थी, तो कहीं ना कहीं जो वोट कम हो रहा है, लोगों में जो नाराजगी है जिसको बीजेपी दूर नहीं कर पाती या दूर करती नहीं है, लोग अब कहने लगे हैं कि बीजेपी वालों को घमंड हो गया है, वो अपने लोगों को भी मनाना नहीं जानते। अगर कोई उनकी पार्टी का नाराज होता है तो उसे मनाते नहीं है, उसकी काट ढूंढ के लाते हैं, दूसरे को तैयार कर देते हैं, वो दूसरे दल के नेता को ले आते हैं और उसे मनाना भूल जाते हैं। दूसरी बात, जो उनके द्वारा कानून लाए जाते हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो एक ये भी कारण बनता है, तो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। क्योंकि मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश में सरकार है इसलिए मुखर विरोध नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी शायद समय का इंतजार करते हैं और फिर वो या तो वोट नहीं डालने जाते हैं या कहीं ना कहीं विरोध में चले जाते हैं। तो फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो नतीजा आएगा बेहद चौंकाने वाला आ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, और उस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की भी है। चूँकि पहले फेज से जो रुझान मिलेगा उसी अनुसार और 6 चरण का जो चुनाव होना है उसकी हवा धीरे धीरे आती रहेगी और उस पर नज़र खासकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों को दलों की जरूर लगी रहेगी, और हमारी भी हर एक गतिविधि पर नज़र रहेगी और हर एक खबर आप तक हम पहुंचाते भी रहेंगे। जी बिल्कुल, तो जो पहले चरण के लिए 8 सीटों के लिए मतदान हुए हैं उनमें मतदाताओं ने निराश किया है। हाँ, सहारनपुर और पीलीभीत को हम छोड़ दें तो अन्य जो 6 लोकसभा सीटें हैं वहाँ के मतदाताओं ने निराश जरूर किया है, ऐसा माना जा रहा है। कई तरह के चर्चाएं भी हैं और हमने आपको 2014, 2019 और 2024 का तुलनात्मक मतदान प्रतिशत बताया। आगे जो अगला चरण होगा, दूसरा चरण, उसकी भी पल पल की अपडेट आई इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाता रहेगा। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और अगली कड़ी में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।